हेलो गाइस, होपफुली आप अपने लाइफ में स्वस्थ और मस्त होंगे। और जिसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव होना ही नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो का मैं इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि आप पॉजिटिव कभी कभी नहीं होते हो, नेगेटिव हो जाते हो। आज के बाद आप ये देखकर पॉजिटिव बिल्कुल हो गए आप। तो मैं है ना, जैसे मैंने एग्जीबिशन का एक वीडियो अपलोड किया है, उसके बाद है ना, जैसे मैं एग्जीबिशन से निकली तो मैं एक बच्ची को देख रही थी। उसकी उम्र कुछ 10 साल ऐसे थी, 8-9 साल, 10 साल ऐसे थी। तो जब मैंने उससे बात किया तो वो मुझे फूल बेच रही थी। वो आई, वो फूल बेचने लगी, तो मैंने पूछा ये कितने में बेच रही है, तो उसने कहा 30 रुपीज़। तो मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा कि नाइट टाइम में वो है ना, उसकी मम्मी कहीं और है, ये बच्ची कहीं और है, और ये बेच रही है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो जब मैंने उससे बातचीत की तो उसने कहा कि वो स्कूल भी नहीं जाती है, वो बस दिन भर यही करती रहती है। तो मुझे बहुत दया आया। तो हम छोटी छोटी बात में लाइफ में बहुत अपसेट हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, एंड प्लीज़ प्लीज़ I urge you to please support girl child। तो मैंने उससे कहा कि आप गवर्नमेंट स्कूल भी जा सकती हो, अपनी मम्मी को कहना कि गो आपको गवर्नमेंट स्कूल भेजे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जिस कहीं भी अगर ऐसे लोगों को देखते हो, छोटे बच्चों को देखते हो, या ओल्ड एज पीपल को देखते हो, अगर उनको मदद की ज़रूरत है तो प्लीज़ मदद करिए, स्पेशली गर्ल्स को मदद करिए प्लीज़। एंड इसके आगे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू। तो कहाँ रहती हो तुम? तो मम्मी पापा नहीं है, गुजर गए। तो गवर्नमेंट स्कूल में जा सकती हो ना? मैं दीदी। फिर किसके पास रहती हो तुम? मम्मी है दीदी। तो मम्मी पापा गुजर गए बोली ना? मम्मी है। मम्मी क्या करते हैं? इधर ही है। बट प्रॉमिस करो आप गवर्नमेंट स्कूल जाओगे पक्का ना? मम्मी को बोलना कि भिजाओ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है ना? ठीक है, लाओ दो। थैंक यू।